फेसबुक पे देख सकते हो यहाँ पे पेज नॉट एलिजिबल, इस तरह के प्रॉब्लम काफी अभी पेज पे आ रहा है, पेज नॉट एलिजिबल। इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक को मोनेटाइज भी नहीं करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों मोनेटाइजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जैसे इनस्टीम ऐप पे ही क्लिक कर लेते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई इश्यू भी नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या किया, अनओरिजिनल कॉन्टेंट डाल दिए या नहीं, ये हमारा एक पेज है। और आपको हम दूसरा पेज भी दिखा देते हैं जिसपे अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली 2024 में सभी के पेज पे आ रहा है पेज नॉट एलिजिबल, इस तरह के प्रॉब्लम। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा सब बताऊंगा। एक बार पेज, एक और पेज ले लेते हैं और उसको दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और पेज हम यहाँ पे खोल लिया, यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा पेज रिकमेंडेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका एलिजिबल है कि नहीं मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आ रहा है पेज नॉट एलिजिबल, जबकि यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्रिप्शन का यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे सब ग्रीन है, मतलब इसका कोई उल्लंघन नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हो नो वायलेशन मोनेटाइजेशन वायलेशन, मतलब वायलेशन भी नहीं किए, मतलब इस पे स्ट्राइक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, फिर यहाँ पे आ क्यों रहा है पेज नॉट एलिजिबल। और यहाँ पे देख सकते हो एक और इसमें ऑप्शन आ रहा है, मतलब उसमें था अनओरिजिनल कंटेंट नहीं था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है अनओरिजिनल कंटेंट। तो ये कैसे ठीक होगा और इसका आने का मेन कारण क्या है, सब इस वीडियो में अच्छे से बात करूंगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मोनेटाइजेशन वाले, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो पेज है ना यहाँ पे स्टार से सब्सक्रिप्शन से मोनेटाइज है, और यहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स का सभी क्राइटेरिया फिलअप कर लिए थे और इसको रिव्यू में जैसे भेजे रहा था ये रिव्यू में ही रह गया, यहाँ से कोई ओके ओके नहीं आया कि रिव्यू सबमिट हुआ या रिजेक्ट हुआ, कुछ नहीं हो रहा, 5 या 7 दिन से ऐसे रिव्यू में पड़ा हुआ। तो ये कौन सा गलती है सब इस वीडियो में बात करूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लैब एड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आ रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्या करना है, जो भी पेज है ना उस पर आपको समझना होगा कि आपका जो पेज नॉट एलिजिबल है किस वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट आता है जिसकी वजह से आपके फेसबुक पे पेज नॉट एलिजिबल वाला आ रहा है। सबसे पहला देखिए दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज तो नहीं है, अगर है तो ये वीडियो देख के और इसका एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक लगा दूंगा, वो वीडियो देख के ठीक कर लीजिएगा। ध्यान देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इनको रिव्यू भेजे तो 100% ये रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बैक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, अपना वीडियो को चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम चेक करने से हमको ये पता चल रहा है कि जो भी वीडियो है ना ये सभी हमारा ही है, यहाँ पे हम चेक किए सभी वीडियो को चेक किए सभी हमारा वीडियो है, तो इसकी वजह से फिर भी आ रहा है, तो हम क्या रिपोर्ट कर दिया। और पहले हम क्या करेंगे इस पे, सबसे पहले हम अनओरिजिनल कॉन्टेंट को ठीक करेंगे, पहले अनओरिजिनल कॉन्टेंट ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे लाइव करेंगे और फिर इसको हम ठीक करने वाले। तो ये तो हो गया कि एक तरह का प्रॉब्लम। और दूसरा ये है, जो भी आप अपने पेज पे एडमिन बनाए हो वो एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए, मतलब अगर पेज के एडमिन पाकिस्तान का बना दियो वहां पे ये एलिजिबल नहीं है इन एस्टीमेट्स, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा पेज नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे चेक कर लेना है कि जिस क्षेत्र में आप जिसको एडमिन बनाया हो उसमें वो उस क्षेत्र से बिलोंग होना चाहिए, जहां पे यहाँ पे इन स्ट्रीमर सब लॉगिन होना चाहिए, मतलब वहां पे क्रेडिट फिलअप करके मोनेटाइज होना चाहिए। और जब उस क्षेत्र को अगर दे देते हो जहाँ पे ये सब इलिजिबल नहीं, वहां पे नॉट इलिजिबल वाला प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, मैनेज वाले ऑप्शन पे चलेगा और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे हमको चले जाना है पेज रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैनेज एडमिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कोई एड भी नहीं है, मतलब जो भी इनका ऑनर है उसी के पास ये पेज लॉगिन है और वहां पे एलिजिबल होगा, इसीलिए वो सब्सक्रिप्शन सबसे मोनेटाइज भी कर चुके हैं। और यहाँ पे देखे दोस्तों जो भी मोनेटाइजेशन है ना इस पे हम क्लिक करके और यहाँ पे पेज नॉट एलिजिबल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है पेज नॉट एलिजिबल, और उसके बाद आगे आ रहा है आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड दैट वी कांट अप्रूव द पेज राइट नाउ, मतलब इस समय में हम क्या कर सकते हैं आपके जो भी पेज है ना इसको मैं प्रूव नहीं कर सकते मोनेटाइज के लिए। यहाँ पे देखे दोस्तों कीप शेयरिंग कॉन्टेंट दैट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन लेटर, और यहाँ पे ये बोल रहा है जो भी आप ओरिजिनल वीडियो डाल रहे हो ना उसको लगातार डालते रहिए, उसके बाद क्या हुआ कि इस पॉलिसी को और उसके बाद आपको जो भी फेसबुक का मोनेटाइजेशन पॉलिसी है साथ में उसको भी मारी है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर से आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी ठीक हो जाएगा और पेज नॉट एलिजिबल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों और यहाँ पे इफेक्ट क्या करा अदर मोनेटाइजेशन टूल्स में नॉट एक्सेस एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल्स, मतलब जिससे आप मोनेटाइज कर चुके हो, पीछे आपको दिखा देते हैं जो चीज से मोनेटाइज कर चुके हो ये सभी से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन स्ट्रीम एड से या आप जैसे बोनस से एड और इन से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, इसकी वजह से ये आ रहा है, तो इसको पहले ठीक करना होगा। तो सबसे पहले अगर अनओरिजिनल कॉन्टेंट आ रहा है तो वो वीडियो देख के जो की लिंक डिस्क्रिप्शन में
आई बटन पे है वो वीडियो देख के पहले उसको ठीक करना होगा, फिर आपको यहाँ पे नॉट एलिजिबल वाले में करना है। लेकिन ये वीडियो को भी अच्छे से देखना है क्योंकि रिपोर्ट करना जरूरी होगा। फिर आगे आप आपको बताते हैं कि तीसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना होगा कि आप वो गलती की हो जिसकी वजह से आप में पेज नॉट एलिजिबल वाला आ गया, दो गलती आप पीछे से देख चुके हो। तीसरा गलती ये है, देखिए दोस्तों जो भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट वीडियो डालते हैं, जैसे देखिए दोस्तों जो भी हम पेज लॉग इन कर रहे हैं ना वो पेज में क्या हो रहा है कि कॉपी पेस्ट करके इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सभी अपना क्राइटेरिया को फिलअप कर लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इनके फेसबुक पे 39,000 से ज्यादा फॉलोअर है और उसके बाद ये सभी क्राइटेरिया पूरा करके और यहाँ पे इनके इन्होंने अपना फेसबुक को मोनेटाइज भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 39,000 है तो कॉपी इससे पहले ये कॉपी पेस्ट करते थे, WWE का वीडियो डालते थे, फिर इन्होंने क्या किया इन पे मोनेटाइजेशन इशू हो गया, उसको ठीक करने के लिए सभी वीडियो को डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद क्या गलती की वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इनके वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, इन्होंने ये गलती किया है कि इससे पहले ये कॉपी पेस्ट करते थे जिसकी वजह से यहाँ पे फॉलोअर कंप्लीट करके क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है और वो सभी वीडियो को डिलीट कर दिए जो इससे पहले अपलोड करते थे WWE का, उन सभी को डिलीट करके और यहाँ पे इन्होंने कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे देखिए कितना लाइव कर दिया। ये इतना लाइव भी आपको नहीं करना, ये सभी जो आपको दिख रहा होगा ये सभी लाइव किए हैं, इनको तो अभी डिलीट कर दिया लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है, ये सभी को आपको पहले यहाँ पे देख लेना है कि अगर आपको कभी भी आप लाइव करते हो तो लाइव करने से पहले भी आपके वीडियो पे आपके चैनल पे 10 से 15 वीडियो रहना चाहिए, 5 से 6 वीडियो रहना चाहिए, फिर लाइव कीजिएगा तो लाइव वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम लाके खड़ा कर देगा पेज नॉट एलिजिबल वाला। तो कभी भी आप वीडियो डालते हो तो इस तरह का कभी भी आपको गलती नहीं करना है कि पेज नॉट एलिजिबल वाला आपको कभी भी ऑप्शन आ जाएगा अगर आप ज्यादातर लाइव भी करते हो। ज्यादा लाइव करने से बग समझ लेता है फेसबुक और आप में यहाँ पे डाल देगा कि स्पैम कर रहे हो और आप में डाल देगा यहाँ पे पेज नॉट एलिजिबल वाला। तो इस तरह का इन्होंने गलती किया और इससे पहले ये क्या करते थे WWE का वीडियो डालते थे, उसकी वजह से इनका फ्लोर भी देख सकते हो 39,000 फ्लोर हो गया और इन्होंने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया होगा, फिर इनमें आ गया होगा मोनेटाइजेशन पॉलिसीज इशू और ये किसी का वीडियो देख के और इतना लाइव कर दिए कि मोनेटाइजेशन इशू तो ठीक हो गया, आपको पीछे दिखा दिए ठीक हो गया, लेकिन इनमें आ गया पेज नॉट एलिजिबल, अब ये पैसा ही नहीं कमा सकते हैं तो इनको ठीक करना होगा। तो देखिए दोस्तों इनको बोले हैं कि ये सभी वीडियो आपको अपलोड करना होगा, मतलब 2-4 वीडियो डालिए और 1-2 लाइव भी कर लीजिए। तो यहाँ पे एक लाइव किया है, देन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी एक लाइव कर लिया है और यहाँ पे वीडियो भी डाले है, अब यहाँ पे इनका फेसबुक जो हुआ वो ठीक हो जाएगा और ये पीछे वाले सभी इनको हम डिलीट करवा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों ये सभी करने के बाद आपको क्या करना होगा, सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, आप देखिए दोस्तों जो हम पीछे आपको बताए वो सभी रूल्स को फॉलो कर लेना, लाइव आपको देखिए दोस्तों ज्यादा नहीं आना है और आप सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन इश्यूज को ठीक कर लेना, फिर पेज एक्सेस को देख लीजिएगा, दूसरे को आप एडमिन तो नहीं बनाए हो, देन यहाँ पे आपको चौथा यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रोफेशनल, यहाँ पे अपने पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्रो पेज रिकमेंडेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा पेज नॉट एलिजिबल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, देन यहाँ पे बैक करने के बाद यहाँ पे मैनेज एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से भी इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे देख सकते हो ये पेज जो भी है ना हमारा यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एलिजिबल है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, अगर एलिजिबल नहीं होगा दूसरे का एडमिन बनाया हो तो उसको हटा लीजिएगा, देन इसका एक स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने प्रोफाइल पे आ जाना, प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे सबको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, देन यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आने के बाद अभी आपको क्या करना होगा एक अच्छा सा रिपोर्ट करना होगा और वो पीछे जो रूल्स बताया वो सभी रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा, तब आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हो और पेज नॉट एलिजिबल वाला ठीक होगा। यहाँ पे ऊपर में लिख के आ रहा है रिपोर्ट अबाउट अब्यूज और स्पैम शुड नॉट बी सबमिटेड हियर, मतलब अगर आप इस पेज से कभी गाली गलौज करते हो तो यहाँ पे वो सभी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया जाएगा, देन यहाँ पे देख सकते हो इंक्लूड अ रिपोर्ट और प्रॉब्लम पर क्लिक करके यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका पेज होगा पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना होगा जो भी आपका पेज है और जो स्क्रीनशॉट पीछे ले हो यहाँ पे अटैच कर देना होगा। तो जल्दी से हम ये दोनों को स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, देन यहाँ पे डिस्क्राइब इशू में आपको लिखना होगा कि क्या आपका प्रॉब्लम है इसको ठीक करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर आप चाहते हो तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या लिखा है वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो लिख दिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है हेलो फेसबुक टीम दिस पेज इज ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर एंड माय ऑल द टीम वर्क द पेज एंड आई फॉलो ऑल फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी बट आई फील द प्रॉब्लम पेज नॉट एलिजिबल प्रॉब्लम सो प्लीज रिव्यू एज सून एज पॉसिबल। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारा पेज है ना उस पे सभी ओरिजिनल वीडियो डाला जाता है और इस पे जो भी वीडियो डाले वो हमारे टीम वर्क के द्वारा डाला जाता है और हम फेसबुक के कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को नहीं तोड़ते हैं, तो इसीलिए हमारे पे और हमको देखने में आ रहा हमारे पेज में पेज नॉट एलिजिबल, तो हमारे पेज को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। तो ये सभी को आपको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना, देन यहाँ से आपको
सेंड कर देना। ये सभी सेंड करने के बाद 5 से 10 दिन यहाँ पे लग जाएगा, या तो आप 10 दिन के बाद भी यहाँ पे एक बार और कर सकते हो, क्योंकि 30 दिन लगेगा। और यहाँ पे ये सभी में आ रहा 2024 में, तो फेसबुक का एक बग भी हो सकता है, तो आपको उतना घबराना नहीं है, या ज्यादा लंबा प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक का एक बग भी हो सकता है जो कि आपको 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, और आप में कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है तो ये वीडियो देख के जरूर ठीक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।